चीकू की पियर्सिंग हो गई है। देखो इधर देखो, मेरे तरफ देखो। अरे मेरे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं हम। तो देखते हैं घर में क्या चल रहा है। रात को लोगों ने बहुत गंदा कर दिया था। पूरी किचन साफ करी है, पूरी की पूरी। अभी देख बर्तन साफ करे हैं, प्याज काटे, पूरी किचन का। इन लोगों को मैंने बोला था रात को, मैंने पूरा किचन मैंने क्लीन किया। खाना खाओगे तो पूरा किचन क्लीन करके सोना। मैं एक बात बोलूं, ये लोग सुनते ही नहीं। लड़कों को किचन में घुसाया कर, क्योंकि ये पूरी मना थोड़ी कर सकती हूँ। जब खाना देती हूँ तब तो कोई खाता नहीं है। हमारे सोने के बाद उनको याद आता है खाना, तो पूरा किचन का देखा। तो गाइस, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है। गन, ये है चीकू की पियर्सिंग गन। और आज चीकू का इसमें आप समझ जाओ कि पियर्सिंग हो गई कानों में। तो वीडियो को पूरी देखना और देखते हैं चीकू का रिएक्शन, देखते हैं आज क्या रहेगा। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है चीकू। आना चीकू, कैसा लग रहा है? ज़ोर से बोलो। अच्छा लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा? डर तो नहीं लग रहा है। लग रहा डर तो? रहने दे, लग रहा है। रहने दो, चीकू के जो हेयर है वो हमने उठाए। आप भी आ जाएंगे दिखाना कौन से डाल रहे हो। ठीक है ठीक, इससे लिख कर दो। पेन तो नहीं, एक रील भी बनाएंगे आप चीकू की। भैया जी एक रील बनाइएगा। बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, मैं मार कर रही हूँ चीकू। अगर दर्द हो ना पैसे वापस है, ठीक है बेटा? दर्द नहीं होगा ये गारंटी है, ठीक है बेटा? भाभी से डाल दो ना आप। निशान डालूं? दिखो मैं डालता हूँ। दिखो कहाँ है, इधर आओ। मैं मुझे देख, इधर इधर देख, इधर देख। बस बस, दोनों सेम, दोनों सेम होना। हाँ चीकू, दिल धक धक कर रहा है, जोर से बोलो ना। आप भी करो, देखो कर। पापा आप भी कर, छोड़ करो, आप भी करो। इधर आओ, मेरी तो है बेटा, इधर मुकर, इधर करो पापा। अरे ऐसे कुछ है, ऐसे बैठो, ऐसे। बड़ा शौक था ना तुझे? नहीं नहीं डरो मत। अरे अभी तो पेन से कर रहे हैं पापा। डरो मत, कुछ नहीं होगा बेटा। देखिए बोलिए बराबर, इधर करो, इधर करो, मुंह मुझे दिखाओ। नहीं ऊपर नीचे हो, नहीं ये नीचे है। बराबर करो मैडम, आप करो ना, आप तो रोज करते हो। नहीं पर हजारों कानों में सुराख कर दिया होगा आपने तो। बस फिर आज चीकू के अकेले ही करो क्या? हाँ मतलब दिखते रहेंगे, चीकू को दिखता रहेगा ना। डर तो नहीं है, नहीं होगा बस। इस डर तो होता ही नहीं बेटा, इससे डर नहीं होता। जो हम वैसे चिल्ला रहे हैं चीकू, उससे डर होता है। गन से पता नहीं चलेगा। लाइट दिखा दो फिर थोड़ी सी ना, लाइट ले जाओ। डर है, डरना सख्त बना है, डरना सिंपल। क्या चीकू की पियर्सिंग हो गई है? देखो देखो देखो, देखो मेरे तरफ देखो। अरे मेरे तरफ। 1 2 चीकू लेकर आ गया। वेरी गुड, पूछी दे दो बड़ा। एक और बस। सुंदर लग रहा है क्या? रहने दे, रहने दो, इधर देखो, रहने दो ना। आप आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इधर इधर तो मेरे पास तो बच्चा, इधर बैठो, बैठो, सुनो 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 ये बात। अच्छा सुनो, हाँ जी सुनो, हाँ जी सुनो। देखो एक काम करे, एक काम करे, काम करे, रहने दे। एक एक बोल दे, एक और कराना है। अच्छा लगेगा एक फिर, एक में अच्छा नहीं लगेगा, एक और कराओ। मर्द लड़का करवाई कर ली, एक और कराओ। आंखें बंद कर लेना, एक मिनट और लगेगा, बोलो। नहीं नहीं रोना नहीं है, एक और करा लो, जल्दी बोलो। एक और, एक और थोड़ा जोर से बोलना है मेरा। अगली साल ना पापा, हां नो छोटी सुई है, मोटी सुई है। हां मोटी सुई से तो डर लगता है,
तो ना छोटी सुई से लगाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा इससे दर्द मोटी सुई थी इससे दर्द हुआ छोटी से करेंगे तो आप क्या कहना चाहते हो पब्लिक को, कान में दर्द हुआ या नहीं बताओ एक बार। नहीं बाकी चीकू ब्रेव बॉय है फुल बॉडी। अभी तक तो बच्चा रो रहा होता है ना, ये तो देखो चीकू कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जोर से अच्छा लग रहा है। जोर से होता है। अच्छा लग रहा है। बोल रही है इसकी सिलावट अरे मैंने हाथ से करवाया हुआ है। चीकू ही बता सकता ब्रेव बॉय है। करने के बाद दोबारा बोला था कि दूसरा भी हिम्मत नहीं बन पाई तो दूसरा निकल आया। मैं हल्दी और तेल कर रही हूँ चीकू के लिए ना, बहुत मोटा हो जाएगा। हाँ सूज जाएगा ना पूरा। आओ दिखाओ, आओ मैं बताऊंगी आपको कैसे सूज जाएगा। पूरा ऐसा मोटा हो जाएगा गोलगप्पा जैसा। छोटा सा लगाऊं कैसे करूं। नहीं नहीं चलेगा। आओ पीछे की साइड लगाना है, पीछे की साइड लगाना पड़ेगा। आओ जल्दी आओ, इतना गर्म तो है नहीं चीकू। मैं हाथ से लगा रही हूँ, देख ज्यादा दर्द कुछ दर्द नहीं होगा। बस चलो चीकू क्या कर रहे बेटा, सारा दिन फोन। एक साइड फोन रख लेगा, एक साइड उसका गले से लगा लेगा। वो कार्टून देखती है क्या आपके साथ? और चीकू कार्टून इतनी नज़दीक से नहीं देखते, कितनी बार समझाया दूर से देखेगा। ये आसपास रहते हैं कहीं तो वो मिलने आए हैं हमसे। और आप समझते हैं कि अरे कुछ रिवाज होते हैं कि आप चेहरा नहीं दिखा सकते, हाँ पर आवाज़ सुन सकते हो आप इनकी, तो कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ ज़रूर कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं जब आई थी बहुत नर्वस थी कि अंदर आने देंगे या नहीं। YouTube के ब्लॉगर्स है, ब्लॉग बनाते, बट इतने सिंपल है अरमान भाई और कृतिका जी, पायल जी, दरवाजे खुले थे, हम लोग आराम से अंदर आ गए। सिर्फ आ सकते क्या पूछे और आ गए बट वो लोग कुछ भी नहीं बोले, आराम से हम लोग बैठ गए आके। बहुत अच्छा लगा, इतने सिंपल लोग मैं कहीं नहीं देखी हूँ। यहाँ पर मैं अरमान भाई को और इन लोग को देख के इतना खुशी हुई कि ये लोग दोनों को साथ भी रख दे, दोनों को बराबर देखते और इतने खुश है। जो बैड कमेंट्स करते कि आप कैसे कर लिए पायल दी, आपका बहुत बड़ा दिल है। हाँ बहुत बड़ा दिल है, बट कृतिका जी भी उतना ही डिज़र्व करते। उन्होंने भी तो कितना प्यार से बैठे हुए थे, नॉर्मली बैठे हुए, एक यहाँ पर एक राइट एक लेफ्ट, दोनों को साथ लेके बैठे थे अरमान भाई और हम लोग आए तो चलो नहीं सब साथ बैठेंगे, साथ बैठो। ऐसा नहीं है कि एक को कमरे में बात कर रहे या एक को बाहर, सब साथ थे। बहुत अच्छा दिखा, किसी में भेदभाव नहीं है दोनों बीवियों में, बहुत अच्छा है। इन लोग के व्लॉग्स देख के ये सीखो कि ये लोग कितना अच्छा रह रहे। अगर दो शादियाँ भी करनी है तो इनसे सीखो आप कुछ कि हाँ हम दोनों को बराबर दे। प्लीज़ इन लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं लोग के, रील्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा आज तक हमने कभी बोला ही नहीं ये चीज़। हाँ हम नोट करें, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि मैं तो इवन सबको बोल रही हूँ मालूम कि मैं देखी। और वो शफी समी फिटनेस है ना, आपके बदौलत हम देखे उनको। अच्छी थी ना, कितनी नेचर वाइज लगी, मैं तो पहली बार आई हूं। और मेरे को ऐसे कि अचानक जब आई ना तो मैंने क्या यार जानती है मैं पीछे पायल जानती हूं, क्योंकि पायल तो बाहर रहती है, मेरे को थोड़ी पता था। और मैंने जैसे वो आई ना तो मैं वो ना वहां खड़े होके हाफ रही थी, कहीं आ सकते हो? हमने कहा हां हां आइए आइए, मेरे को लगा तू जानती है। तो जी को लैपटॉप दिला बेटे, काम पर पूरा लैपटॉप भिगो दे जल्दी।
और कुछ बच्चे जो होते हैं ना जो लॉकडाउन में पूरी तरह से बिगड़ चुके होते हैं उनमें से ये एक है, क्योंकि हमारा लाड और इसे ना मारना ना कुछ डांटना, तो इस वजह से ये बिगड़ गया है। ये क्यों ठीक कह रहे, मैं देखता हूँ भारत तो अच्छा ये तो हमारे घर के लोग हैं। अरे अभी पता है कोई आ गया था, मतलब कोई नोन आए थे तो हमें लगा कोई और ना आए, तो इसलिए ऊपर थे नहीं आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने आए थे। मैंने कहा सर, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा समझ में नहीं आया है कौन, ये चेहरा तो दिखा नहीं, मुंह लपेटा हुआ। मैंने कहा मैं ऐसी हो गई बस, क्या बोलूं मैं। हाँ वो सबको जानते थे, आपको भी, कालू भैया को भी, मुस्कान को भी, राज भैया को, सबको जानते थे वो। मैं सरप्राइजिंग था भैया कि अचानक से इन्हें क्या लगा, इन्हें लगा पायल चली जा, पार्लर वाले चली जा, शक्ल देख ले अपनी खड़ी हो गए। मन ही नहीं करता रुको यार, निकलेगा घर से पता नहीं क्यों, आलस इतना भर गया है। समझा देते चले जाओ यार, आलस सा आता है। कटिंग अभी तो कराई थी उसके, और कितने छोटे बाल कराऊं, इसकी वैक्सिंग करानी है, वैक्सिंग करानी, ठीक है जाती हूँ फिर, अभी रेडी होते हैं।